okay dear students uh, here we are going to talk about the example that is related to the previous lecture here we have given this second order od y double dash that is equal to x y dash square minus y square initial condition is given y of 0 is equal to 1 and y dash at x naught is equal to 0 is 0 there are two initial conditions because this is second order. What we have to find now? We have to find y at point two, y dash of point two, and then y double dash of point two. Up these values, you can see the initial starting value of x naught is 0, and the final value is point 0.2. They have not mentioned. कि यहां पर स्टेप साइज एच जो है वो आपका पॉइंट वन है या क्या है ठीक है अगर नहीं मैंशन किया हुआ तो इट मीन्स ये सिंगल वन एटेशन में ही ये हो जाएगा हाउ एवर इफ देव इफ देव इफ दे वुड हैव द वैल्यू ऑफ एच इज इक्व टू पॉइंट वन ओवर हेयर लाइक अगर यहां पे मैंशन होता है एच इज इक्व टू पॉइंट वन ओके देन वट यू हैव टू डू वट यू वज सपोज टू डू पहलेका मतलब है कि ये साइज होता जीरो से लेकर पॉइंट वन फिर पॉइंट वन से लेकर पॉइंट टू इसका मतलब पॉइंट वन आपको वाई ऑफ पॉइंट वन देता और फिर वाई टू जो था यहाँ पे वाई टू सेकेंड आइटेशन जो थी वो पॉइंट टू पर आपको वैल्यू देता जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी एक एग्जाम्पल में करवाया था उसको ठीक है तो आइटेशन रिपीट करनी पड़ती बट दे हैवेंट मैंशन द वैल्यू ऑफ एज ठीक है तो इसलिए हम लोग जो यहाँ पे एज की वैल्यू होगी दैट विल बी द डिफरेंस पॉइंट टू माइनस जीरो सिंपल एक्स माइनस एक्स नॉट ये जो एक्स रिक्वायर्ड फाइन करना है एक्स माइनस एक्स नॉट करेंगे तो एज आ जाएगा एंड देट इज पॉइंट टू इन आवर केस ओके चले बाहर चलते हैं आगे करते हैं वाई डबल डैश इजिकल टू एक्स वाई डैश स्केयर माइनस वाई स्केयर following the procedure i have told you people we will suppose this y dash is equals to z then y double dash is equals to z dash and y double dash ki jo yahan pe value hai ye hum isko put kar denge replacing y dash by z तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर ओडी जो हमारी बनेगी जो कि फाइनल ओडी है जो रिक्वायर्ड ओडी है हमारी वो क्या होगी ये तो हमने अप्रॉक्सीम हमने इसको सपोज किया हुआ है ना एक तो ये set बनेगा और जो final है वो क्या है जी डैश इज इक्व टू एक्स जी स्क्यर माइनस वाई स्क्यर अब जी डैश जो है मीन्स इट वायर डबल डैश ओके और y डबल डैश जब होता है तो फिर उसे एक कंडीशन नीचे लेते हैं तो जी डैश इज इक्व टू एक्स जी स्क्यर माइनस वाई स्क्यर और जो इससे रिलेटेड इनिशियल कंडीशन होगा वो हम ये वाला यूज़ करेंगे जी ऑफ जीरो इज इक्व टू ज़ीरो ओके क्योंकि जब इंटीग्रेट करते हैं जनरली हमारे पास फंक्शन ऑफ़ जी आता ना तो फिर कंडीशन भी तो फिर जी पे लगेगी ना ठीक है ओके एंड द सेकेंड ऑर्डर ओडी जो हमने सपोज़ किया y डैश इज इक्व टू सेकेंड जो ओ डी है सेकेंड ऑर्डर नहीं सेकेंड ओ डी जो है y डैश इज इक्स टू जी और इसके लिए इनिशियल कंडीशन यूज़ करेंगे वाई ऑफ़ ज़ीरो इज टू वन ठीक है यू हैव टू फाइंड वाई ऑफ पॉइंट टू ओके वो इससे आ जाएगा वाई डैश ऑफ पॉइंट टू और वाई डैश ऑफ पॉइंट टू का मतलब क्या है वाई डैश अगर उसको रिप्लेस करें तो जी है जी ऑफ पॉइंट टू एंड वाई डबल डैश ऑफ पॉइंट टू इट मीन्स जी डैश ऑफ पॉइंट टू ये सब वैल्यूज फाइंड करनी है ओके इनिशियल कंडीशन क्या है सबको अगर पर अगर लिखे एक्स नॉट कॉमा वाई नॉट कामा जी नॉट क्योंकि ये कैटेगरी हमने फाइंड करनी होती है इज टू एक्स नॉट इज गिवन ज़ीरो जीरो वाई नाट इज वाई एट एक्स नॉट इजक्स जीरो इज इक्ल्स टू वन एंड जी नाट इज जीरो वी हैव रिटर्न ओवर है एच स्टेप साइज जिसकी मैं बात करी थी इसलिए वी आर गोइंग टू हैव ओनली वन आइट्रेशन एच इज इक्ल्स टू पॉइंट टू जो कि रिक्वायर्ड वैल्यू है माइनस स्टार्टिंग वैल्यू जीरो माइनस एक्स नॉट जो होता है पॉइंट टू माइनस जीरो एंड दैट इज इक्ल्स टू पॉइंट टू माई सजेशन इज़ दैट मैंने आपको पहले भी कहा था कि पहले ये जो सेट हैं के वन वाले भी और एल वन वाले भी एज इट इज़ उठा के लिख लें सारे और फिर उसके बाद स्टार्ट करें आप अपना कि आपका फंक्शन जो था कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जी वो क्या है वो किस ऑर्डर ओ डी में आता है ठीक है और कैपिटल जी ऑफ एक्स वाई जी क्या है कैपिटल जी जो होता है वो ओरिजिनल फंक्शन होता है जो हमारे पास ओरिजिनल ओ डी में से आता है एंड दैट इज़ एक्स जी स्केयर माइनस वाई स्केयर ठीक है और कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई जी हमारे पास यहाँ से आता है ये वाई डैश इज़ इक्व टू जो फंक्शन है यहाँ पे एक्स नहीं है वाई नहीं है सिर्फ ये जी का ही हमेशा फंक्शन होता है एंड दैट इज इक्व टू कैप सिंपल जी ठीक है तो ये दो फंक्शंस और पूरा सेट और ये एज की वैल्यूज़ ये इनिशियल कंडीशन ये आपकी रिक्वायरमेंट हैं क्वेश्चन क्वेश्चन के स्टार्टअप के लिए ठीक है अब वाट वी आर गोइंग टू डू नाव वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ दोज एट कॉन्स्टेंट्स

टू और ये जो फंक्शन है वहां पे जहां जाए अभी इसमें तो है ही सिर्फ जी तो जी को जी नॉट से रिप्लेस करेंगे और जी नॉट जो है इसकी वैल्यू जो है वो जीरो है दैट्स वाई के वन इज इक्व टू देन एल वन इज इक्व टू एच इंटू कैपिटल जी ऑफ एक्स नॉट कामा वाई नॉट कामा जी नॉट जी फंक्शन हमारे पास क्या था यू मस्ट रिमेंबर एक्स जी स्केयर माइनस वाई स्केयर ठीक है हम इसमें क्या उस रिप्लेस करेंगे एक्स नॉट वाई नॉट जी नॉट एक्स नॉट जी नॉट स्केयर माइनस वाई नॉट स्केयर एक्स नॉट ज़ीरो है वाई नॉट जी नॉट भी हमारे पास जीरो है तो जीरो हो गया और वाई नॉट की वैल्यू वन थी इसलिए माइनस वन स्केयर तो दैट इज माइनस पॉइंट टू के वन आ गया एल वन आ गया के टू दाइट द फॉर्मूला के साथ एफ है और एल के साथ कैपिटल जी है प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज़ इन इट के टू इजिक्स टू एच इन टू एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच बाई टमा वाई नॉट प्लस के वन बाय टू कामा जी नॉट प्लस एल वन बाय टू अब ये सब में एल वन बाय टू के वन बाय टू एच बाय टू एच आके पास है पहले यहाँ पे इसकी वैल्यूज लिख लें एक्स नॉट क्या है जीरो एच क्या है पॉइंट टू डाई बाई टू पॉइंट वन ये लिखना जरूरी है पहले ठीक है वाई नॉट क्या था वन के वन क्या था ज़ीरो ओके वन बाई टू ऑफ जीरो तो वन आ गए यहाँ पे जी नॉट क्या था जीरो एल वन क्या निकाला माइनस पॉइंट टू माइनस पॉइंट टू डिवाइड बाई टू दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस पॉइंट वन ओके तो ये जब फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स वाई आपका जो है ये फंक्शन क्या था सिंपल जी था ना तो जब उसमें हम लोग इसको रिप्लेस करेंगे जी को जी नॉट से तो जी नॉट की जो यहाँ पे जो अब वैल्यू बन दी है जो जी की अब अब जो वैल्यू बन रही है इससे रिप्लेस करेंगे ना अभी जो फंक्शन है z नॉट ना यहाँ बिल्कुल के z ये था ना का फंक्शन अब यहाँ पे जो x y z z की जो वैल्यू है वो ये है -0.1 तो अब इस z को -0.1 से रिप्लेस करेंगे यहाँ पे जब पुट करेंगे a this z that will give you -0.02 फाइन नाउ k2 नाउ l2 l2 पहले सबसे पहले, पहले इसका एक्सप्रेशन लिखें a capital g of x नॉट प्लस एच बाई टू वाई नॉट प्लस के वन बाई टू जी नॉट प्लस एल वन बाय टू एक्स नॉट की वैल्यू लिखें एच की वैल्यू लिखें पॉइंट टू डॉ बाई टू यह पॉइंट वन आ जाएगा वाई नॉट वन है के वन जीरो है इसलिए वन आ गया जी नॉट जीरो है एल वन आपके पास माइनस पॉइंट टू था ये इसलिए माइनस पॉइंट वन आ जाएगा यही वाली वैल्यूज आ जाएंगी ठीक है ना जब यहाँ पर आपने लिखी अब जी का जो फंक्शन क्या था आपके पास एक्स जी स्केयर माइनस वाई एक्स की जगह पॉइंट वन जी की जगह माइनस पॉइंट वन का स्क्यर माइनस वाई की जगह वन का स्क्यर वैन यू आर गोइंग टू पुट ऑल दीज वैल्यूज यू विल बी गेटिंग माइनस पॉइंट वन डबल नाइन एट ओके दे वुड भी मैंशन कि आपने ये अपना ये जो क्वेश्चन है कितने डी पी पे स्टॉप करना है बिकॉज यू आर गोइंग टू हैव दिस डेस्टिमल प्लेसेज एज वेल तो दे वुड बी क्लियरली मैंशन के फोर डी पी है थ्री डी पी है ठीक है सो देर इज नो कन्फ्यूजन इन एट ओके सिमिलरली वी हैव फाइंड फाउंड एल टू एंड देन वी आर गोइंग टू फाइंड के थ्री ये एक्सप्रेशन आपके सामने है दैन एल थ्री ओके बिल्कुल इसी uh, तरीके के साथ आप करेंगे फाइंड एंड फाइनली वी आर गोइंग टू फाइंड दिस कॉन्सटेंस के फोर एंड एल फोर के फोर में क्या एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच वाई नॉट प्लस के थ्री जी नॉट प्लस एल थ्री एज की वैल्यू एक्स नॉट जीरो था एज पॉइंट टू था वाई नॉट वन था और के थ्री की भी पीछे जो वैल्यू निकली है वाई नॉट में जब उसको ऐड करेंगे तो यू विल बी गेटिंग दिस जी नॉट जीरो था एल थ्री आपके पास ऑलरेडी ये वैल्यू आई थी तो एज़ इट इज़ मैंने उसको उठा के यहाँ पर लिख दिया अब ये जो फंक्शन था हमारे पास क्या था एफ क्या फंक्शन क्या सिर्फ जी है ना तो जी की जगह एच इंटू पॉइंट टू यानी कि एच की जगह पॉइंट टू रिप्लेस हो गया और फंक्शन सिर्फ जी का था तो सिर्फ जी वाला जो फंक्शन है यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो हमें मल्टीप्लाई करके हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है ओके एल फो इज एच इंटू कैपिटल जी ये पूरा पहले हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे थी ये वाली वैल्यूज इसकी एज इज आएंगे ठीक है एन जी नॉट प्लस एल थ्री पुट करने के, के बाद फंक्शन क्या था हमारे पास एक्स इंटू जी स्केयर एक्स की जगह ये जी स्केय माइनस वाई स्केयर वाई ये मेरे पास माइनस वाई स्केयर एंड यू आर गेटिंग दिस वैल्यू फोर कॉन्स्टेंट के वन के टू के थ्री फोर एल वन एल टू एल थ्री एल फोर हो गया तो वाई वन क्या निकलेगा फास्ट फर्स्ट आर्टेशन पे वाई नॉट प्लस वन बाई सिक्स ये जो सिंपल हमारा आर के मैथड ऑफ ऑर्डर फोर है इसमें जहाँ जहाँ ये जो वैल्यूज़ आई हैं इसको पुट करें तो यू विल भी गेटिंग द वैल्यू ऑफ़ वाई वन और जी वन को आप जब पुट करेंगे जी नॉट प्लस वन बाई सिक्स ये सारी वैल्यूज़ आपके पास ये आ जाएंगे ओके तो वाई ऑफ पॉइंट टू जो है आपके पास ये एक्चुअली क्या है ये वाई वन है जो आपके पास यहाँ पर आए इस ओ डी से आया ठीक है थीके? वो ये हो गया वाई डैश ऑफ पॉइंट टू क्या था जो आपने फाइन करना था वाई डैश ऑफ पॉइंट टू वो क्या था फर्स्ट डाइवेटिव जी ऑफ पॉइंट टू एंड जी वन जी वन आर के पास हमारे पास ये आ गया और वाई डबल डैश ऑफ पॉइंट टू जो हमारे पास औरिजिनल ओडी थी यानी कि वाई डबल डैश ऑफ पॉइंट टू इट मीनस जी डैश क्योंकि हमने इसको सब्सिट्यूशन दी हुई ना जी डैश ऑफ पॉइंट टू और ये जो ओडी थी हमारे पास क्या थी एक्स जी स्के माइनस वाई एस जो जनरल फंक्शन था हमारे पास ठीक तो वहाँ पर जहाँ जहाँ ये है वैल्यू एक्स ऑफ यहाँ पे हम पुट करेंगे इसको एक्स को भी पॉइंट टू जी स्केयर ऑफ पॉइंट टू यानी कि जी एट पॉइंट टू वो क्या वैल्यू निकाली है हमने जी एट पॉइंट टू वो यू वाली वैल्यू निकाली है दिस वन एंड वाई एट पॉइंट टू इसका स्केयर ठीक है पहले इसको यून लिख लेते हैं सिंपल क्या था ये जो ओडी थी एक्स जी स्केयर माइनस वाई स्केयर तो यहाँ अभी एक्स ऑफ फंक्शन यानी कि एक्स को यूँ लिखेंगे ना एक्स ऑफ पॉइंट टू एक्स की वैल्यू पॉइंट टू जी ऑफ पॉइंट टू और वाई की जगह भी वाई ऑफ पॉइंट टू की जो वैल्यू है आई एम गोइंग टू यूज दैट एक्स पॉइंट टू पुट किया जी ऑफ पॉइंट टू की वैल्यू ये पुट की और वाई ऑफ पॉइंट टू की वैल्यू मैंने ये वाली पुट की ये पुट करने के बाद यू विल बी गेटिंग दिस वैल्यू वाई डबल डैश देट इज़ इक्वल्स टू दिस एंड यू विल बी गेटिंग दिस फाइनल आंसर These are the questions that you have to do. Question number 7, B and C part. Question number 9, 10, 12A, 18B, and then 19. These questions are related to chapter number 6. And uh, when you will do this, uh, if you have any queries, then please ask me, okay? Thank you.